एनालाइज कर रहे थे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, किसी को कोई पिछले क्लास के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? मेरा जो सबीहा, नोहा और सलाम? नो सर, नो सर। बहुत आसान है, मुझे आई वाई सर पर करके बताइए, उसके बाद हम कुछ नई चीज आपको समझाएंगे। फिफ्टी टू मोल, इसमें कुछ करना ही नहीं, 52 मोल ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे बताइए। इतना आसान नहीं हो रहा, जल्दी बताएं ना, आंसर आ गया? आई वाई सर पर कर भेजें, आई वाई सर पर मैसेज करें। क्या मिक्स करना है? क्वेश्चन लिखा हुआ सामने, नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। शो नहीं हो रही स्क्रीन। किसकी शो नहीं हो रही है? क्वेश्चन की। आपका नाम हिबा? अच्छा, अरसलान वगैरह सबको शो नहीं हो रहा है? अरसलान देखिए आ गया सर, दिख तो रहा है। वेरी गुड, दिस इज सभी यार, ये तो आसान क्वेश्चन। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स 52 इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एटम अकेला है, ये है, एटोमिसिटी 1 है। बोलिए आया सबका ये आंसर? यस सर, यही है। हाँ, बहुत आसान है ये, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमें एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास के अंदर करना है। इसमें तीन पार्ट्स हैं। चलिए, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में निकालिए नंबर ऑफ एटम्स। हमें हर क्वेश्चन को करना है। हिबा, स्क्रीन दिखी आपको? यस सर। अस्सलाम का आ गया, वेरी गुड। सबसे पहला काम मोल्स निकालेंगे, वेरी गुड। ठीक है, मैं अब अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सब करा दिया अब तक। अब 13 मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 13 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, एटोमिसिटी तो वन अकेला है ये। वेरी गुड नोहा अख्तर, सबिया, खुर्शीद आ रहा है समझ में? साइंटिस्ट बताइए, हिबा सब तो पिछले क्लास में मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया था। यस यस सर, गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है, इसलिए आगे बढ़े।
अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी पार्ट। पहले आप ट्राई कीजिए, ना बने मैं बताऊं। 52 यू ऑफ हीलियम, यू का मतलब एम, उसमें नंबर ऑफ एटम्स होता है। बना के दिखाइए। आपने अब तक जो भी चार या पांच, तीन चार क्लासेस हुई हैं, उसके मुताबिक आप बताइए कि आप कितने, आपकी समझ है, इसका आंसर दीजिए। 52 Mu में हाउ मेनी एटम्स। चलिए मैं करके बताता हूँ, और से सुनो। चलिए आप ध्यान दीजिए, क्या मैंने फर्स्ट क्लास में आप सबको समझाया था? अच्छा बताइए, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है? 4U होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, और मैंने ये भी सिखाया था जो भी एटॉमिक मास दिया रहता है वो 1 एटम का मास होता है। सारे लोग मिलकर बताइए, हाँ या ना, 1 एटम का मास होता है, बताया था आपको? यस। महराज सब लोग बताएं, सबको समझ में आ रहा है? एटॉमिक मास 1 एटम का, तो बस आपको दो मेथड्स में समझा रहा हूं। 4U ऑफ हीलियम का मतलब हुआ 1 एटम। 1U ऑफ हीलियम में कितने एटम? देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे में इस पर और प्रैक्टिस अभी कराऊंगा। एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी दे दिया, this is important, 1/4 atom, इसलिए concept clear होना चाहिए। 52 of helium में कितने atom? 1/4 × 52, only 13 atoms। सर सर बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं? देखिए तीनों क्वेश्चन को देखिए, 52 mole Avogadro's number से multiplied, 52 gram moles निकालिए Avogadro's number से multiplied, यहाँ ग्राम नहीं हुआ था, एमयू है, तो आप यूनिटरी मेथड 4U ऑफ हीलियम 1 एटम, 1U ऑफ हीलियम 1/4 एटम, तो 52U में कितने एटम? बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना बताइए। यस सर। ये ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो जल्दी बता दीजिए। मेहराज नोमा समझ में आया? इबा को और सबिया को समझ में आया? ही नहीं रहे, लगता नहीं समझ में आया क्या? हेलो एवरीवन, नहीं समझ में आया? नो सर, आ गया समझ में। सर आ गया। और लोग क्यों नहीं बता रहे? मैं सबका नाम लेके पूछ रहा हूँ। इबा आपको आया, सबिया और नोहा, तीनों को आया? नोहा, सबिया एंड हिबा। उसको नहीं बोलने का माने मैसेज कर दिया करिए। ओके पूरा ध्यान, ओके सबिया, चलिए ठीक है। अरे हिबा आपको समझ में आया? जल्दी बताइए। चलिए खैर, अब आइए इस पर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कैलकुलेट द, अच्छा एक मिनट सुनो, इसको मेथड सिकंड से भी मैं समझा देता हूँ। ये मेथड फर्स्ट था, मेथड फर्स्ट लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। मेथड सिकंड, कोई कहेगा सर हम मोल कंसेप्ट से क्यों नहीं कर सकते? उससे भी कर सकते हैं। आप क्या करें, 52U ऑफ हीलियम है तो आप हीलियम, 52 भी तो मास ही है ना, मास ऑफ हीलियम ही है। ओके, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करना है। 52 को ग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब होता है Avogadro's नंबर से डिवाइड करना। याद आया पहली क्लास, हाँ जाना? यस सर। क्लियर है सबको? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 1U इज इक्वल टू 1/NA, मैंने समझाया था, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं,
इन एक ग्राम। अब मोल्स निकालने, अब ग्राम में आ गया तो मोल्स निकाल लीजिए। गिवन मास बाई मोलर मास तो 13/NA, ये मोल्स आया है। तो नंबर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13/Avogadro's number into Avogadro's number कैंसिल, 13 ही एटम आया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। सबको समझ में आया, बहुत आसान है। लेकिन आपको ये ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डायरेक्ट ऐसे दोनों मेथड जानना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि भाई आप अब उस वक्त तक आप सब में मोल निकालते थे, आपने यहाँ मोल क्यों नहीं निकाला, तो आप ये मोल से भी कर सकते हैं विदाउट यू है। तो आप आसान मेथड ये कि आप इसी तरह चले, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि सर हम मोल कंसेप्ट से क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अब 52U को आप ग्राम में लिख दें, अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया, मोल्स निकाल लें, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल आ गया, नंबर ऑफ एटम मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर इनटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी C2 1 ही अकेला ही है ये, तो 13 मोल आ गया, है 13 एटम आ गया। इसको भी लिख लीजिए, बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हेलो एवरीवन। नो सर। नो सर। थैंक यू। तो इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा हम 2-3 क्वेश्चन की करेंगे, लेकिन आप ये पहले मेथड से ही कीजिएगा। लिख लिया तो बताइए। यस सर, लिख लिया। यस सर। आप सुनिए, थोड़ा सा इस पर और नॉलेज हो कि आपका डाउट क्लियर हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलो। पहला, अगर आपको कोई कहे 96U अपॉक्सी, चलो बना के दिखाइए, तो डायरेक्ट 96U ऑक्सीजन का 16 होता है। ऐसे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, 96U ऑफ ऑक्सीजन, 48U ऑफ मैग्नीशियम, 16 होता है भाई, तो देखने में ही लग रहा है नंबर ऑफ एटम 6 आए, 96/16 6 नहीं आएगा भाई। यस सर। 16U ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 1 एटम हुआ, 1U ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, 1/16, तो 96U ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे, 1/16 × 96, 6 एटम होंगे कि नहीं मेहराज, वहाँ सभी यहाँ सब एकदम आसान है। तो आप ये सब भी प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी में भले क्वेश्चन दिया लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एएमयू में दिया रहेगा तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये सब कंसेप्ट पर होता है, ये सब पहली क्लास में पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना आप मीनिंग समझिए। जिसको मीनिंग, अगर यहाँ पर 16 ग्राम हम लिखते तो हम लिखते अवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम है, 16U लिखा तो हम लिखेंगे 1 एटम। फर्क समझिए इस दोनों का, जिसने थ्योरी पढ़ लिया उसको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ये याद रखिए आप। तो जान 48U मैग्नीशियम का 24U होता है, चलिए बताइए डायरेक्ट, बताइए मैग्नीशियम के कितने एटम्स होंगे, बताइए तो डायरेक्ट बता दीजिए, 48/24 2 एटम होगा, जल्दी बताइए हाँ या ना। बताइए एएमयू में दिया रहेगा तो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ सबसे,
हिबा नोहा सबीहा अरसलान मेराज यस सर अच्छा मैं yes, आप, मैं आपका दिमाग लेना चाहता हूँ आप इसमें अगर कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं HNO3 इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना यही क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स अब मैं देखना चाहता हूँ किसका माइंड चलता है इसमें 126 नाइट्रिक एसिड में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आराम से चलिए कॉन्सेप्ट लगाइए कि मैं ऐसा क्वेश्चन दिया हूं एक तीर से दो निशाना है इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है आप बना के देखा है गलत या सही आप ट्राई करो सर HNO3 का मोलर मास क्या होता है आप निकाल लीजिए हाइड्रोजन का वन नाइट्रोजन का पूरा निकालिएगा ना ऑक्सीजन का 16 मॉलिक्यूल है ये सबको जोड़ के निकालेंगे महाराज ऐड करके यहाँ बताइए HNO3 का कितना आया मॉलिक्यूलर मास सबको ऐड करके नो नो हाँ नो नो HNO3 का कितना आया 1 प्लस 14 प्लस 40 63 आया बोलिए यस सर टू एटम्स नो ए मैंने इसलिए कहा आप लोग एकदम नहीं सही से पढ़ रहे इतना मैं डिटेल में पढ़ाने के बावजूद भी सब का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है 63 U ऑफ HNO3 ये मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ एटम थोड़ी ना बोलेंगे वन मॉलिक्यूल वन यू पहले गौर से सुने HNO3 में कितने तो 1/63 मॉलिक्यूल गौर से सुने 126 U ऑफ HNO3 में कितने ये जो आपका आया है एंड जो आपने वो तो सही निकाला है लेकिन ये टू मॉलिक्यूल हैं अब हमें एटम कह रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटमिसिटी एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं अरे आया समझ में हेलो 10 एटम्स आएंगे ना लॉजिक तो लगाइए मॉलिक्यूल में एटम पूछ रहा है हेलो समझ में आया जिनका टू आंसर आया वो मॉलिक्यूल है इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना इसमें टीचर क्या कर सकता है टीचर तो कंसेप्ट समझा समझा के थका हुआ आप लोगों को सेल्फ स्टडी मजबूत होनी चाहिए दिस इज मॉलिक्यूल अब तक जो किया ये एटम था सिंगल एटम दिस इज मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया वन मॉलिक्यूल में 5 एटम्स तो टू मॉलिक्यूल में कितने एटम्स 10 सारे लोग बताएं मैं हिबा नोहा सबीहा मेहराज अरसलान सबको समझ में आया यस सर यस सर प्लीज कंसेप्ट लगाइए देखिए कंसेप्ट लगाना सीखिए क्यों मैं पहली क्लास से एम एटॉमिक मास वगैरह समझाता रहा हूँ अच्छे से समझिए चलिए आगे बढ़े सारे लोग गवाही दें आगे बढ़े लिख लिया आप लोगों ने यस सर गुड मॉलिक्यूल्स आया मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए और इस स्लाइड पर ये आंसर है देखिए अब तक आप गौर से सुनिए अब तक हमने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन किया अब हम तीन चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना चाहते हैं कि आपका माइंड एक्सपैंड हो यही नंबर ऑफ एटम्स का क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे रहे हैं कि आपको कैसे क्योंकि आप जानते हैं ना इलेवेंथ में स्कूल में भी आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच आएगा डू यू अंडरस्टैंड सही कह रहा हूँ हाँ या ना Assertion, reason, objective, true, false. इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे चलिए क्वेश्चन वन सेल्फ स्टडी कीजिए मीनिंग पढ़िए अब देखिए लिखना शुरू कीजिए which one of the following will have largest number of atom pehla option sab mein number of atoms nikalna hai 1 gram of au main sabka atomic mass likh dunga ghabraiyega nahi 1 gram of sodium theek hai bhai
सी है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, डी है 1 ग्राम ऑफ सीएल। देखिए एयू का होता है 197, लिथियम का 7, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। एबीसीडी में पूछ रहा है किसमें नंबर ऑफ एटम लार्जेस्ट होंगे। पहला काम क्या करेंगे सब में, पहला काम क्या करेंगे सब में बताइए जल्दी से, पहला काम क्या करेंगे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। मोल, वेरी गुड। अच्छा पहले क्वेश्चन लिखा है आपने, हाँ जाना ये पहले बताइए। यस सर, लिख लिया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऐसा देगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो। ये देखिए समझिए कि आपको ये 4 क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। ऑब्जेक्टिव क्यों करना चाहिए, उससे एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हो। अब देखिए कैसे निकाल, मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। जब भी एटम निकालने को कहिए माइंड में रिपीट करना एटॉमिसिटी, अकेला है ऐसे ही छोड़ देंगे। नंबर ऑफ एटम्स सॉल्व नहीं करेंगे, विदाउट सॉल्व आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव का यही अप्रोच है, इस तरह का डेटा देता है कि विदाउट कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए। देखिए 1/23 तो गिवन मास बाय मोल हो गया इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी, सोडियम 1 है 1 ही रहेगा। अब यहां देखिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1/7 इनटू एवोगाड्रोस नंबर, यहां देखिए 1/Cl2 है तो 35.5 इनटू 2 तो 71 मोलर मास हो गया इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी 2, तो ये 2 से जो कैंसिल होगा तो 35.5, 1/35.5 इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब बताइए न्यूमरेटर तो सबका सेम है कि नहीं एबीसीडी में, जल्दी बताइए हाँ या ना, न्यूमरेटर सबका सेम है कि नहीं। अब डिनोमिनेटर तो बताइए जिसका डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू ज्यादा आएगी, हाँ या ना। देखिए किसका काम है, सी का, डायरेक्ट एंड विदाउट कैलकुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, वो बेचारे इसको सॉल्व करने में ही लग जाएंगे। तो कंपटीशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम करना चाहिए, कम वक्त में कैसे करेंगे। अब वो डेटा इस तरह का देगा, इसलिए हमने यहां पर सॉल्व नहीं किया। तो देखिए एक एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स आपका रिवीजन हो गया। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। प्लीज सब लोग रिस्पॉन्स करें, हिबा क्यों नहीं बोलती है, हिबा जिसको बोलने का, हिबा जिसको बोलने का मन ना हो मैसेज कर दिया करें। चलिए लिखें सारे लोग, वेरी गुड, लिखें। लिख लिया, यस सर। बहुत अच्छे, यस हिबा परवीन, थैंक यू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये आप करके दिखाएंगे। ये मैंने आपको अप्रोच सिखा दिया कि कोशिश करना है कि जब सब कुछ न्यूमरेटर सेम है तो हम क्यों 1/197 को सॉल्व करेंगे, तो 10 मिनट में भी नहीं, आधा घंटा लग जाएगा चार को सॉल्व करने में। इसलिए आप लॉजिक से आंसर देंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में लॉजिक से ही आंसर होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं फिर वही दे रहा हूँ, सारे लोग देंगे इसलिए ऑब्जेक्टिव करना चाहिए।
पूरा कमांड हासिल करने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, फिर एक नई चीज में फिर कराऊंगा। एक क्वेश्चन और होगा, इसको नई चीज है। पहला 27 ग्राम ऑफ या सॉरी 16 ग्राम ऑफ एच, उसके नीचे जगह छोड़ दें क्या, वहीं पर सॉल्व करें। 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी 96 ग्राम ऑफ O3, डी 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सबका मोलर मास तो आपको मालूम है ना, कार्बन का 14, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मालूम है ना सबको। हेलो, यस सर। चलिए बना के दिखाइए, तो सारे लोग एकदम दर बना के दिखाइए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, पहले आप लोगों ने एक ए का सॉल्व किया, ए का जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। पहला काम अगेन हम डायरेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू छोटा छोटा लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी, 2 कैंसिल 16 Na। सबका सही है ये, सच सच बताइएगा सब लोग। यस सर, सही है। सही है। यस सर। मेरा हाँ। अब इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी 2 × 3। देखिए मैसेज आंसर भी आ गया कुछ का, यहाँ देखें सारे लोग प्लीज देखें, यहाँ ये 3 9 Na आ गया इसका आंसर, बोलिए। हेलो एवरीवन, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास 16 × 3 = 48 इनटू Na इनटू 3। आपके पास 6 Na। अब यहां पर देखिए नंबर, देखिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से कितना फायदा होता है, अपने आप चार पार्ट हो गया और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 1.6 बाई 32 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू एटॉमिसिटी, 2 है 16 है कैंसिल 0.1 Na। बताइए मैक्सिमम यही आंसर है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या नहीं। हेलो एवरीवन, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। इस पर लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नई चीज की तरफ जाएंगे। सब लोग प्लीज थोड़ा बहुत भी डाउट हो पूछ लिया कीजिए। नोहा सबीहा हिबा अरसलान मेराज, ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आ रहा, कैसे किया जा रहा है बताइए, कंसेप्ट तो वही है। यस सर।
Has everyone done this slide? Yes, is completed? Sir. Yes, chaliye. Okay. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए अब क्या कह रहा है. प्रोसेस में देखिए, विच हैज मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन के एटम्स बताना, किसमें ऑक्सीजन के एटम्स कम है ये पूछा जा रहा है. एक बार ए ऑप्शन, वन, इसमें आपको दिमाग लगाना है, वन मिलीलीटर ऑफ H2 पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन 0.1 मोल ऑफ V2, नंबर ऑफ एटम्स नहीं कह रहा, ऑक्सीजन एटम्स कह रहा है, इसमें मिनिमम है. सी ऑप्शन 12 ग्राम ऑफ O3, बी ऑप्शन 12.044 × 10^20 molecules of CO2. सब में आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन एटम निकालिए. देखिए पहले आप करें, मैं दो मिनट का आपको टाइम देता हूँ. आपका सारे लोग पहले क्वेश्चन लिख लिया, बताइए. हाँ Yes, sir. अब आपको दो मिनट का टाइम है, टाइम शुरू हो गया. चलिए बना के देखिए, तो ट्राई कीजिए. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कह रहा है, सबकी प्रैक्टिस आप देखी करवाया मैंने. एटम्स निकालना बी वाला, सॉरी बी वाला ऑप्शन क्या है? 0.1 मोल ऑफ V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड. V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड. स्टूडेंट सर समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे करेंगे? अच्छा पहला काम क्या करेंगे ये पहले बताइए आप. सर ये ml वाला तो सर हम इसमें से मोल्स निकालेंगे, सो वो वाला डेंसिटी इनटू. यस यस, तो फिर आप घबराते क्यों? आपसे आप ये कांसेप्ट कितना अच्छा आपका, आपसे क्यों नहीं होगा? सब हो जाएगा, सब कर हो जाएगा. नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ पहला काम मोल, तो आपको मिलीलीटर है तो 1 × 10^1 ही रहेगा. मोलर मास 18 इनटू अवोगाड्रोस नंबर ऑक्सीजन के एटम का. अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1/18, और 1/18 को सॉल्व कीजिएगा तो जानते हैं आप कितना आएगा. देखिए 1000/18 को आप सॉल्व करते हैं तो मैंने 55.5 लिखा था. याद आया सबका आपको? 1000/18 को सॉल्व करेंगे 55.5, 1/18 × 1000, तो आप बताइए. आपको यही बताना है कि आपको यहाँ पर हमें 1/18 की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए कोई आदमी. 0.05. यस 1/18 0.05. फिर क्यों नहीं होगा आपसे 0.05 NA. इसमें हम डायरेक्ट करेंगे नंबर, इसमें तो कुछ मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है. क्या होगा? मोल्स दिया हुआ है 0.1 × अवोगाड्रोस नंबर ऑक्सीजन के एटमिसिटी 5. बताइए क्या नहीं कराया गया था किस तरह क्वेश्चन? सब है आपके पास. 12 ग्राम है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, पहला काम मोल्स, गिवन मास 5, मोलर मास इनटू अवोगाड्रोस नंबर इनटू 3 4
थ्री बाई फोर 0.75 एन ए, आया समझ में, बताइए ना। yes, yes, समझ में सर। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इसमें फिर निकाल, इसमें मोल्स कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अरे सही, सबिहा को आ रहा है, सबिहा इनटू एवोगैड्रोस नंबर, एटोमिसिटी ऑक्सीजन की दो, अब डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। यस, अब इसको हम कैसे लिखें, 12.044 को, अच्छा देखिए एक मिनट बताइए, 2 इंटू 12.044 इंटू 10 to the power 22, इसको एवोगैड्रोस नंबर में अगर मुझे लाना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा बताइए, ये जो है 6.022 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, जल्दी बताइए। हाँ यहाँ, यस सर, जल्दी बताइए। यस सर, ध्यान दीजिएगा हमारा, आप लॉजिक समझिए कि हमें, क्योंकि सब में एन ए एन ए है, तो आप देखिए 10 to the power 22 है ना, हम इसको 23 कर दिया, मतलब ये समझिए और अच्छे से समझा देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा बताइए, हाँ या ना, नहीं ना पड़ेगा। टू इंटू टू 4, और ये मिलकर पूरा एवोगैड्रो 23 हो गया, डिवाइडेड बाय 10, 0.4 एन ए, जिसको हम लिख सकते हैं 0.4 एन ए, है ना। ये सब लॉजिक समझिए, फिर से समझिए, 12.044 क्या है, 22 है, लॉजिक समझिए, क्यों हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर सबको मैंने एन ए के फॉर्म में लिखा, क्योंकि अब सबको मल्टीप्लाइड करने लगे एवोगैड्रो नंबर से तो टाइम लग जाएगा, इसलिए चौथे वाले को हम आसान वैसे कर सकते हैं। तो फिर से समझिए, ये इसको हम लिख सकते हैं ना 2 into 6.022, सच सच बताइए, और इसको 10 divided by 10 इंटू टू तो रहेगा, तो आप देखिए मैं पूरा अच्छे से कर देता हूँ, 2 to the 4, 4 by 10 वैल्यू, अब बताइए ये पूरा एवोगैड्रो नंबर हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए, 23 हो जाएगा ना ऐड होकर, बोलिए आप अच्छे से, 0.48 आया। हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर, ये आपकी मैथ है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सबको मल्टीप्लाई करते रहिए तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, इसी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो जीरो, तो आप बताइए मिनिमम नंबर किसमें है, मिनिमम तो ये है ना, ये है, ये सबसे में, वेरी गुड। मैक्सिमम किसमें है, तो सी में है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, सब देखिए, अब कोई कंफ्यूजन, सब क्वेश्चन को एक ही तरीके से हो रहा है, मोल्स निकालने आना चाहिए। देखिए आप पेपर का देखिए कितना आपको लॉजिक दिया है, वेनाडियम का मोलर मास नहीं मालूम है इसलिए वो मोल दे दिया, कि यहाँ मोल जब दिया हो तो हमें मोलर मास की जरूरत ही नहीं है, जब वो मास देता तो फिर वेनाडियम का मोलर मास लिखता, वेनाडियम का मोलर मास याद भी नहीं करना आपको, क्वेश्चन में दिया रहे, यहाँ क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि हमें मोल है, जब मोल है तो हमें मोलर मास की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी, ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी लेंगे, एटम पूछता तो 3 से मल्टीप्लाइड, 5 to 7 से मल्टीप्लाइड, 3 से तो ये अकेला है ही है, यहाँ तो बताइए, आया समझ में, हाँ जाना, मेरा आज कंसेप्ट समझ में आया सबको, सबिहा, हिबास, नोहा, क्लियर हुआ सबको। चलिए, कैसा भी क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल निकालने के लिए वही आपका कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़े, अब नई चीज पर मैं आ रहा हूं, लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए। सर 2 मिनट रुकते हैं आप। हाँ, लिखिए आराम से, लिखिए कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं हमने, आप आराम से लिखिए, कोई बात नहीं, आराम से लिखिए। सबिहा ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज रिस्पॉन्स। नोहा आपको समझ में आया? यस सर। थैंक यू।
यस सर हो गया सबसे हो गया यस सर चलिए अच्छी बात है वेरी गुड अब आइए नई चीज पर अब आपने मोल पढ़ लिया नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स निकालना सीख गए अच्छी बात है अब सुनिए इनको मैं मोल्स कह रहा हूं अब और से सुनिए अब क्वेश्चंस कैसे देगा आपने पढ़ा गिवन मास बाय मोलर मास m मोलर मास दूसरा फार्मूला पढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर सच सच बताइए समझ में आ रहा है सबको अब तीसरा फार्मूला मोल्स का पढ़ा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पढ़ा कि नहीं जल्दी बताइए यहां जाना यस सर आप जो क्वेश्चन देगा एग्जामिनर और से सुने जो आपके सिलेबस में भी है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ध्यान दी जब भी आप फंसे मास देकर आप कहेगा वॉल्यूम निकाल वॉल्यूम देकर कहेगा मास निकाल तो गौर से सुनिए अच्छे से मास देकर वॉल्यूम कहे या वॉल्यूम देकर मास कहे आप इसको इक्वेट कर दें डिड यू अंडरस्टैंड जल्दी बताइए हाँ या ना इस इन चारों में एक वन टू थ्री फोर इन चारों कंसेप्ट में कोई एक चीज भी नोन होगी तो आप सारी चीज निकाल सकते हैं कि नहीं मास अगर मालूम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं मोल भी निकाल सकते हैं मास देकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहे तो इसको इससे इक्वेट कर दे पार्टिकल्स देकर वॉल्यूम कह रहा है तो इसको इससे इक्वेट कर दे बताइए जो मैं बताना चाह रहा हूं सबको समझ में आया कि नहीं ये पहले बताइए ना यानी यस सर एकदम लॉजिक याद रख लीजिए इन चारों में कोई एक चीज भी दी हुई हो तो आप उसकी मदद से दूसरी चीज इंटरकनेक्ट करना मोल को मोल की तीन मीनिंग है ना क्या मास देकर बताओ इतना ग्राम में कितने वॉल्यूम है क्या लिखा है आपने नंबर ऑफ मोल्स के बाद मैं जो समझाना चाहे वो आपको समझ में आया कि नहीं ये समझ में आ गया सर बट लिखा क्या है हां हां अभी तो बता देता हूं गिवन मास इन ग्राम उसको मैं w कह रहा हूं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ओके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने चलिए आप पहले इसको लिख लीजिए मैं इस पर क्वेश्चंस करा रहा हूं आप पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा ओके स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन कैसा देगा लिख लिया बताइए यस सर देखिए आपको क्वेश्चन देगा देखिए बहुत आसान देखिएगा मैंने कहा कि मोल की मीनिंग समझ गए तो आपको इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन देगा कैलकुलेट द लिखिएगा नहीं एकदम स्क्रीन को देखिए आप वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैं दो तरीके से करूंगा एकदम अच्छे से क्वेश्चन को आप भी 10 सेकंड में पढ़िए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी क्वेश्चन कहा हाँ या ना जल्दी बताएं पढ़ लिया क्वेश्चन यस सर अब देखिए मास देकर वॉल्यूम पूछ रहा है कि नहीं जल्दी बताइए सारे लोग हाँ या ना मास देकर वॉल्यूम पूछ रहा है तो झट से पूछ हाँ अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं मैं दो मिनट से बताऊंगा और से तो आप कुछ भी नहीं कीजिए मास देकर वॉल्यूम का है तो देखिए इसको इससे इक्वेट कर दीजिए गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी मैं दूसरे मेथड से भी समझाऊंगा 22.4 गिवन मास 4.4 है कार्बन डाइऑक्साइड का 4 वॉल्यूम निकालना है 22.4 कितना आसानी से निकल गया बताइए साइंटिस्ट लोग निकल गया जल्दी बताइए हेलो एवरीवन यस सर यस सर यस तो लॉजिक इस पर बहुत क्वेश्चन है कोई भी बुक बनाइए आप हम वही तो सिखाना चाह रहे हैं कि मोल की तीन मीनिंग है मास देकर वॉल्यूम पूछेगा वॉल्यूम देकर मास पूछेगा मास देकर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल देकर मास पूछेगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है आप जैसे दे झट से रफ में लिखे भाई मोल्स का चार तीन फॉर्मूला होता है इक्वेट कर दो मास देकर पार्टिकल पूछे मास को पार्टिकल के फॉर्मूले से इक्वेट कर दो पार्टिकल पूछ के वॉल्यूम पूछे पार्टिकल के फॉर्मूले को वॉल्यूम से इक्वेट कर दो सच सच बताइए आया कि नहीं आया यस सर
आंसर आ गया। अच्छा अब आइए लॉजिक से, अब मैं लॉजिक से भी समझाता हूँ, हर मेथड से आना चाहिए कि आपकी थ्योरी मजबूत। लॉजिक लगाइए, फिर से सुनिए अच्छे से। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टीम, तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड है, और से सुनिएगा। मास देकर वॉल्यूम पूछा है ना, तो देखिए 12 प्लस 32, तो बताइए 44 ग्राम लिखेंगे तो 1 मोल हो जाएगा, सच सच बताइए हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो आपको बोल ही नहीं रहा, हाँ सारे लोग मिलके बोले ना, एक ही स्टूडेंट बोल रहे हैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 1 मोल होगा। हेलो, तो बताइए 44 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल है, तो 1 मोल को ये भी लिख सकते हैं ना, 22.4 लीटर एट एसटीपी, बोलिए ना। हेलो यस सर, बस तो 1 ग्राम में का कितना वॉल्यूम, 22.4/44, इसलिए 4.4 ग्राम में कितना वॉल्यूम। आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, और आपको ना समझ में आए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कंसेप्ट आएगा वही आंसर आएगा। तो जिसको मोल का कंसेप्ट मालूम होगा ना, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। चलिए क्वेश्चन आप पहले लिखिए, आप सारा क्वेश्चन आप चाहे आपके ऊपर, आप शॉर्टकट से करें, यूनिटरी मेथड से करें, कैसे भी करें। चलिए हिबा बताइए, हिबा को समझ में आया, नोहा को समझ में आया, और क्या नाम है साइंटिस्ट का, सभी है आपको समझ, तीनों स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस वेरी गुड, सभी है आप, हाँ सभी है, ठीक को आ गया, वेरी गुड। ये हिबा को आया, हिबा साइंटिस्ट आपको आया, हाँ हिबा को भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। एकदम लॉजिक लगाना है, मोल की तीन डिफिनेशन, मास नंबर्स वॉल्यूम्स, मास देकर वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम के ये लिख लिया आप लोगों ने। यस सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये इसको पहला ही मेथड मान लीजिए, पहला मेथड लिखिए, यूनिटरी मेथड भी आना चाहिए कि आपको सेल्फ स्टडी थ्योरी मोल की सब याद हो। हो सकता है शॉर्टकट से आपका माइंड क्लियर ना हो, इसलिए सारा कुछ आपको आना चाहिए। देख लिया ये, यस सर, हर सेकंड लिखिए। किसी को डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। दीवा महराज, माय नेम इज इंद्रसाद सर, ओके स्टूडेंट, और बोलिए ना। यस सर, थैंक यू सर। कुछ भी हो 8786 नंबर पर लिखिए व्हाट्सएप। सर डन, डन, एवरीवन डन। चलिए अब आप लोग प्लीज आंसर दीजिएगा कि एकदम इस पर देखिए, कैलकुलेट द, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ, और आप अपने से लिख कर
करोगे, कैलकुलेट द मास ऑफ 12.04 फुट 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब देखिए सारे लोग बताइए, नंबर्स देकर मास पूछ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ यहाँ यस सर, यस सर। तो बस फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट कीजिए, खटाखट कीजिए। तो मैं सब लोग मेरे करना आई वाई सर पर मैसेज कीजिए, प्लीज गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट द मास ऑफ 12.04 टन, एकदम डायरेक्ट कीजिए। सर नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। आगे आंसर मोहन, वेरी गुड वेरी गुड। एक दफा चेक कीजिए नोहा आप आंसर को, एक दफा रिपीट कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से। नंबर देकर मास पूछे, नंबर ऑफ पार्ट जो आपको मैंने ये मैंने शॉर्ट मैं जानबूझ के इसको मैंने क्यों इक्वेट करना सिखाया स्टूडेंट, ये सब फार्मूला तो मालूम रहता है स्टूडेंट को, मैं इसको पूरे को बराबर लिखकर अब आपको इस पर कोई भी टफ क्वेश्चन दे आपसे बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। सारे लोग बताइए इसमें गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास को नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर से इक्वेट किया है, जल्दी बताइए। तो सारे लोग पहले yes, एवरी स्टूडेंट बताइए, सबका यही है पहले कंसेप्ट सही है? वेरी गुड। मास मोलर मास आपका 17 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 12.044 10 टू द पावर 22 है, 6.022 10 टू द पावर 23 है, 2 है, ये ऊपर जाएगा 0.2 होगा कि नहीं, तो मास जो होगा वो 3.4 ग्राम होगा। सच सच बताइए सबका आंसर यही आया होगा, बताइए बताइए ही बात। आराम से आप समझ समझ के पढ़िए कि क्यों हमने ऐसा किया। तो मास नंबर देकर मास पूछा जाए वापस फिर दूसरे को इक्वेट कर। अब देखिए एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, आप सबका बायो है कि मैथ है? ये सर, मेरा बायो है। आपका मेहराज का बायो है, हिबा सबिया नोहा और अरसलान आप लोगों का क्या है सर? दोनों ओके 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 ही बात सब यहाँ का मैथ है ये। हाँ अरसलान का दोनों है, और नोहा आपका सर मैथ मैथ। अच्छा ठीक है, तो आपका गलती को एहसास हुआ आपका नोहा? यस सर। गुड, अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिक्सअप करके देंगे, मास देकर वॉल्यूम, वॉल्यूम देकर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल देकर मास, मोल देकर मास, कुछ भी दे दिया। इस पर मैं दो क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। देखिएगा रीअरेंज, अब जल्दी जरा रीअरेंज द फॉलोइंग, मतलब 1, 2, 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। पहले तो वो वन में क्या है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव मास सब में निकालना, फिर देखना किसका मास ज्यादा है ऑर्डर में निकालना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा 0.5 मोल ऑफ O3। दूसरा 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा 3.01 10 to the power 23 of carbon dioxide, चौथा चारों में मास निकालना।
5.6 liter of carbon dioxide exist. अब ऑप्शन दिया हुआ है C4, इसका मास ज्यादा है समझिए कि चार पार्ट में दिया है, अब आराम से निकालिए क्वेश्चन को। एक चीज पहले मैं समझाऊंगा, सी ऑप्शन 4 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3। क्वेश्चन जब लिख लेगा तो मुझे बताइएगा, एक 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 थोड़ा सा नॉलेज मैं देना चाहता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सारे लोग, लिख लिया। पहले बताइए सारे लोग, बताइए जल्दी से। सभीहा, मेराज, अरसलान, हिबा, सब लोग ने क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, ये कहीं पर नोट कर लीजिएगा, मेरी बात गौर से सुनो। केमिस्ट्री में मोल के तीन नाम और होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन के जरिए मैं बताना चाह रहा हूं। कहीं पर भी केमिस्ट्री में ग्राम मोल की तीन नाम और याद रखिए, जहां पर भी ग्राम एटम लिखा रहे समझ जाइए मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा रहे मोल है, और ग्राम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्या मतलब हुआ? देखिए मोल के तीन नाम, अगर कोई कहीं पर लिखता है 1 ग्राम एटम, समझ जाइए ये 1 मोल है। 2 ग्राम आयन, समझ जाइए 2 मोल है। 3 ग्राम मॉलिक्यूल, अब समझ जाइए 3 मोल। आपको क्वेश्चन में याद दिया है 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 0.5 क्या होगा जल्दी बताइए, 0.5 ग्राम एटम मींस, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, यस सर, यस सर, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? ग्राम एटम का, ग्राम एटम को मैंने क्या कहा, ग्राम एटम मींस सर मोल, सर मोल, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, क्या दिया हुआ ये 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यस। पहले तो आप पहले इसको कहीं पर लिख लीजिए कि आपको आसानी हो, ये मोल का तीन नाम याद रखिए। बताइए हेलो, लिख लिया? यस सर।
चलिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, सबका मास अलग अलग निकालिए, 1.05 मोल ऑफ O3, तो मोल को मास से इक्वेट कीजिए, मास निकालिए ऑक्सीजन का, समझा कि नहीं, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ मास निकालिए, 3.0 मॉलिक्यूल, सब वही क्वेश्चन है, चारों का आप निकालिए और बताइए कौन सा ऑप्शन है किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन सब में मास निकालिए, 1, 2, 3, 4। अब आपका टाइम स्टार्ट हुआ, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको, आराम से निकालिए, ना किसी में भी मोलर मास की जरूरत नहीं है। जितना आप लोगों को सॉल्व हुआ जल्दी बताइए, 1 का आया मास, 1 का, 1 नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, यहां आपका मास आ गया, बताइए मोल आपको 0.5 है, मोलर मास कितना हो जाएगा, 24 ग्राम आया, सच सच बताइए, पहले का आंसर 24 ग्राम। अरसलान सॉरी मेहराज आपका आंसर आया पहले का, गिवन मास में मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मोल इनटू मोलर मास कर दीजिए 48। अब आइए दूसरे का, 0.1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगेन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, 0.5 मास निकालना है, मोलर मास 16, मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ग्राम आया, 8 आया, वेरी गुड। तीसरा ये मास निकालना, अब यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो गिवन मास बाय मोलर मास को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर से इक्वेट करेंगे, बोलिए। यस सर, तो इसका 16 ग्राम, हां चेक कर लेते हैं, वेरी गुड, ऐसे ट्राई करना, मोलर मास 44, 3.011 10 टू द पावर 20 का हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप कोई ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव से खास बात ये कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो W इज इक्वल टू 22 ग्राम आएगा ना इसमें, मैंने कुछ सब कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट, हाँ सब कुछ समझ में आया, हेलो यहाँ तक आया सबको, जल्दी बताइए आप सब, देखिए एकदम ऑटोमेटिक है, जो पढ़ाया गया उसी पर है, जो मैंने 4 H मोल के साथ मिलकर जो मैंने लगातार 3 फॉर्मूला लिखा है उसी पर है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। अब एक मिनट रुकिए, चौथा आपके पास है, देखिए क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम देकर मास पूछ रहा है, तो वॉल्यूम देकर मास पूछ रहा है, तो सर ने कहा था गिवन मास बाय मोलर मास को वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 20, ये सब रिवीजन ही तो हो रहा है, 22.4 लीटर ये निकालना है, किसका आपको है,
कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना 44, वॉल्यूम 5.65 22.4, 4 से लेगा तो यहाँ मास कितना है 11 ग्राम। बताइए सारे लोग बताइए सबसे ज्यादा मास किसका है, 24 है, उसके बाद कौन है ये पहला है, उसके बाद कौन है 22 है, 22 उसके बाद कौन है जल्दी बताइए, यहाँ पर 11 है तो ये 11 हाँ, तो सबसे कम जो है इंक्रीजिंग सबसे कम 2 हो गया, उसके बाद आपके पास 4 हो गया, थर्ड एंड 1 कौन सा ऑप्शन कोई मिल रहा है इस तरह का ऑप्शन 2 4 3 1 ये ऑप्शन ऑप्शन है जल्दी बताइए। देखिए आपसे कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट, मास निकालना है सब में, रीअरेंज द मास, बस मोल देकर मास पूछ रहा है, बस मोल देकर मास पूछ रहा है। चलिए सारे लोग लिख लें इसको जल्दी फटाफट, हिबा एंड सबीहा एंड नोहा, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए, किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछिए। लिख लिया है तो बताइएगा सारे लोग प्लीज। सर लिख लिया। एवरी स्टूडेंट नोटेड डाउन दिस स्लाइड। सबीहा सब लोगों ने लिख लिया, चलिए स्लाइड देखिए। इसलिए आप जल्दी बताइए यस सर लिख लिया। चलिए तो ये नंबर ऑफ एटम सब निकालने का दौर खत्म, आप नेक्स्ट कंसेप्ट पर आइए, वो ये है टॉपिक डालिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ, टॉपिक है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सारे टॉपिक डालिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इससे पहले कि मैं समझाऊं स्टूडेंट को जो मैं प्रॉब्लम होती है मैं उस लिहाज से, सारे लोग और से सुने प्लीज बताइए, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे लोग बताएं। 8 प्रोटॉन भी है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। अब देखिए नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन, आप सुनिए अच्छे से, O2- बताइए O2- में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जल्दी बताइए, एनायन है तो गेन करेगा 8+2 10 यस 8+2 प्रोटॉन हमेशा सेम, प्रोटॉन ना लॉस होता ना गेन, जब तक ये नहीं समझेंगे न्यूमेरिकल नहीं होगा मोल कंसेप्ट वाला,
इसलिए मैं पहले आइडिया देने के लिए देखिए ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर। अब O2- माइनस है तो इस तरह, अब उसी तरह देखिए आपको मैंने कहा Na प्लस सोडियम का होता है 11, अब प्लस है तो माइनस करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11 का 11 ही रहेगा। बताइए हिबा सबिहा नोहा अरसलान मेराज यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो सर। गर्ल्स कैंडिडेट जल्दी बताएं, आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं दे रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज बताइए। हिबा नोहा सबिहा लिख के मैसेज बताइए, लिख भी लीजिए सारे लोग। गुड ओके सबिया को भी आ गया, वेरी गुड। नोहा बेचारी आज मैसेज को नहीं कर रही है। हाँ लिख लिया सारे लोग, लिख भी लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। अभी क्वेश्चन मैं नहीं कराया, पहले कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये बेसिक चीज नहीं आएगी तो फिर आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बच्चे ये सब गलती करते हैं, इसलिए मैं पहले इस पर कमांड करा देता हूँ। आगे बढ़ूं जल्दी बताइए, अब बताइए पी थ्री माइनस फॉस्फोरस का पी थ्री माइनस उसी के नीचे आप लिखिएगा पी थ्री माइनस फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 3 माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 15 का 15 ही रहेगा। अब आइए, अब मैं आपको कंपाउंड का कंपाउंड और आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और से, ये तो सिंगल एलिमेंट सब था और से सुने क्वेश्चन कैसे थे। अब आपको कहेगा वाटर में बताओ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ नहीं करना, इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक नंबर ऐड करो 8, हाइड्रोजन का 1, 2, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन, सबका एटॉमिक, स्टूडेंट क्या गलती करता है वो एटॉमिक मास ऐड कर देता है, भाई आपको मोलर मास नहीं कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने को कहा जा रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 2 22, तो प्रोटॉन भी 22 ही होंगे। सर आप पहले वाली स्लाइड में एक बार, हाँ हाँ क्यों नहीं आ सकते, देखिए सर हो गया सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके समझ में भी आ रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना, कंपाउंड में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालना है, बताते रहिए प्लीज। हिबा नोहा सबिहा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज पूछिए। आप देखिए NH4 प्लस कुछ नहीं करना है, देखो नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 4 माइनस 1, एक कितना हो गया 10, और इसमें 7 प्लस 4 11, एकदम एग्जैक्टली उसी तरह कंपाउंड रहे या सिंगल आयंस रहे, इंडिविजुअल एटम का ऐड कीजिए और निकालिए। बोलिए अच्छा आप लोग मुझे सल्फेट का निकाल के दिखाइए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का 8, सल्फेट में S2 माइनस है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन निकाल के दिखाइए। तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं इतना आपको समझा दिया कि सिंगल एटम में सिंगल मॉलिक्यूल में सिंगल आयंस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। मैसेज करें, मैसेज आई बाय सर, आंसर ही नहीं आ रहा है, बताइए ना सल्फेट 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ओके नहीं
मिराज तुम फिर से निकालो, क्या गलती कर रहे हो मिराज? चलिए चलिए सब लोग आंसर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। SO4 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया है। नोहा आंसर दीजिए, हिबा सबिया अरसलान, ये मैं न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ न्यूमेरिकल को प्रोसीड करने के लिए। ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। हाँ नोहा का आया, वेरी गुड नोहा। चलिए सल्फर का 16, सल्फर का से ऑक्सीजन का 8 फोर्सा और प्लस 2, 18 फोर्सा 32, 34, 50, वेरी गुड। अब प्रोटॉन का है 16, 8 इंटू 4, 48। बताइए मेराज कहाँ गलती हुई आपसे? आया समझ में सबको? अब अरसलान, हाँ मेहराज, हिबा और सबीहा, आया? अब मैं आपको समझा जा रहा हूं इस पर न्यूमेरिकल कैसे देगा। ये लिख लिया आप लोगों ने, अब आप गलती होगी तो ये आपकी प्रॉब्लम। मैंने न्यूमेरिकल को समझाने के लिए सब समझाया। चलिए अब आइए क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि वन मोल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं, कंसेप्ट समझिए, तो आपको मालूम है 6.022×10^23 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब आइए अगर आपसे कोई बंदा पूछे वन मोल ऑफ ऑक्सीजन में बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए और देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, तो देखिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे। कितने मोल हैं? वन मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। और एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 से मल्टी, इसी वजह से मैंने पहले समझा दिया वन मोल के साथ कोई नहीं लिखा हुआ, एवोगैड्रोस नंबर बोल दो, लेकिन जब किसी एलिमेंट का नाम आएगा तो एवोगैड्रोस नंबर के साथ साथ उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे भी मल्टीप्लाइड करेंगे। प्रोटॉन भी इतना ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसलिए कोई चार्ज नहीं है। सारे लोग मुझे मैसेज करके जवाब दीजिए, क्या ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर, आ गया। हाँ तो यही सबकी प्रैक्टिस के लिए, जो कि जिसको ये नहीं सही से आएगा, मैं इसलिए क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब भी निकालने को कहा जाता बच्चे इसी बेसिक में कंफ्यूज रहते हैं। चलिए एनी प्रॉब्लम, आप सुनिए, जैसे आपको कहेगा 2 मोल ऑफ Al प्लस 3 में इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज है तो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा। 2 मोल है, 2 है, मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। अब हम Al में Al का एटॉमिक नंबर 13, अब प्लस है तो 3 माइनस कर देंगे 10, और अगर प्रोटॉन कह रहा है तो 2 मोल, 2 मोल, मोल है एवोगैड्रोस नंबर, एल प्लस 3 प्रोटॉन 13 का 13, कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस आपको मोल एवोगैड्रोस नंबर होता है उस एटम और आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? सच सच बताइए। यस सर, बहुत आसान है मोल। आप घर पर पढ़िए, जो क्वेश्चन कराया जाए उसको प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज एंड प्लीज। बताइए सबिया, हिबा और नोहा, सबको समझ में आया? पक्का बताइए, ये स्लाइड लिख भी लीजिए और बताइए भी। यस सर, समझ में आ गया सर, लिख भी लिया। वेरी गुड, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर अगर हमें कोई डाउट हो तो सर हम आपको व्हाट्सएप में जरूर जरूर, आप अपना, हाँ आप अपना नाम लिख दीजिएगा कि सर मैं मेहराज हूँ, मैं या तो मुझे लगेगा कि ऑडियो से मैं आंसर दूँ तो ऑडियो बना के भेज दूंगा, किसी वक्त भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाता रहता हूँ तो हो सकता है थोड़ा लेट से मैं जवाब दूँ, ऐसा तो आप बुरा नहीं मानिएगा कि सर लेट कर दिए ये कर दिए, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको डाउट मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं ऑडियो क्लिप बना के भेजूंगा।